भारत रत्न स्वर कोकिला स्वर्गीय लता मंगेशकर और संगीतकार बप्पी लहरी के रूप में बॉलीवुड सिने जगत ने दो अनमोल रत्न को खो दिया है, जिन्हें श्रद्धांजलि देने का सिलसिला लगातार जारी है। 2022 भारतीय सिने जगत के लिए काफी बुरा साबित हो रहा है। अब तक सिने जगत में भारत रत्न स्वर कोकिला स्वर्गीय लता मंगेशकर एवं बॉलीवुड में डिस्को की शुरुआत करने वाले संगीतकार स्वर्गीय बप्पी लहरी को खो दिया है। इन दोनों कलाकारों के दीवाने सिर्फ भारत देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी इन्हें याद करके इन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। रविवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उद्यान सेक्टर 1 में आंध्र स्वाभिमान मंच के पदाधिकारियों ने इन दोनों महान विभूतियों को श्रद्धांजलि देते हुए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए एवं इनके गाए और बनाए गए सुमधुर गीतों की प्रस्तुतियां भी दी। मर जाएंगे आशिक वरना इतना करम कर लेना, प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना। आंध्रा स्वाभिमान मंच के पदाधिकारियों ने सर्वप्रथम भारत रत्न स्वर कोकिला स्वर्गीय लता मंगेशकर के तैल चित्र पर धूप दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें नमन करते हुए इनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी धारण किया। मंच के पदाधिकारियों ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि यह दोनों स्वर विभूतियां सिने जगत और भारत देश के अनमोल रत्न कहे जाते हैं और इनका यूं चले जाना यह एक अपूर्णीय क्षति है। आंध्र स्वाभिमान एसोसिएशन द्वारा समाज और भी समाज के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के निधन और बप्पी लहरी जी के निधन पर हम लोगों ने गहरा शोक व्यक्त किया और उनकी मृत आत्मा को शांति के लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना की और समाज के गीतकार उन्होंने उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि गीतों के माध्यम से अर्पित की और इस प्रकार से जो है एक सामाजिक रूप से हम लोगों ने आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। लता जी को श्रद्धांजलि मतलब मेरे को यकीन ही नहीं होता, क्योंकि जो भी आजकल का नहीं, जो भी बच्चा अगर पैदा होता है ना तो कोई भी माँ बाप उसको लता जी का गाना ही सुनाते हैं, कोई नया सिंगर्स का गाना कोई नहीं सुना। अभी सारे का मापा देखो या जो भी कुछ ये में पुराने गाने ही कोई भी सिंगर परफॉर्म करते हैं स्टेज में, नया गाना तो आजकल कोई नहीं। पुराने गाने में वैसा भाव है और लता जी तो पूरा करीबन 40,000 गाने गाए, वो माँ स्वयं सरस्वती है और हम चाहते हैं हम जो भी हैं उन्हीं की वजह से हैं। नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पह
जाने हैं घर याद रहे। स्वर्गीय लता मंगेशकर जी देश की आवाज़ हैं। उन्होंने भारतीय सिने जगत के लिए और संगीत जगत के लिए और भारतीय केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भारत की पहचान के रूप में ख्याति प्राप्त की। अनेक अनेक सम्मान, स्वर कोकिला, भारत रत्न जैसे सर्वश्रेष्ठ उपाधि से नवाजा गया, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, महाराष्ट्र गौरव, एंटी रामा राव सम्मान, इस प्रकार के अनेकों सम्मानों से नवाजी गई स्वर कोकिला भारत रत्न श्री स्वर्गीय लता मंगेशकर जी की स्मृति में, उनकी याद में एक छोटा सा श्रद्धांजलि, भावपूर्ण श्रद्धांजलि सभा आयोजित किए आंध्र स्वाभिमान एसोसिएशन द्वारा, जिसमें विविध कलाकारों, शहर के अलग अलग कलाकारों ने अलग अलग गीत गाकर उन्हें याद किया। उनको, उनके बारे में बताना सूरज को दिया दिखाना है। उन्होंने जो कुछ किया वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई हैं। वो गीतों के माध्यम से लोगों के दिलों में जीवित रहेंगी। इसी भाव के साथ हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। स्वर्गीय बप्पी लहरी जहां अपने संगीतों के माध्यम से पूरे विश्व में लोगों के दिलों पर राज करते हैं, वैसे ही भारत रत्न स्वर कोकिला स्वर्गीय लता मंगेशकर भी अपने सुमधुर आवाज के लिए जानी जाती हैं। आज पूरा देश इन दोनों महान विभूतियों को हृदय से नमन करता है और सदैव गीत और संगीत की दुनिया में इनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख रहा है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।